हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन इंडियन रिवाइविंग ब्यूटी। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलिस ऑन एसटी के ऊपर मेरी ये सेकंड वीडियो। गाइस, पहले मैंने आपके साथ जो एलिस ऑन एसटी के ऊपर वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मैंने पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव किया एलिस ऑन एसटी का इस्तेमाल करके, जिसके ऊपर मुझे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रिसीव हुआ। ओवर 3 लाख व्यू मुझे मिले, काफ़ी अच्छे लाइक मिले, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे कमेंट भी रिसीव हुए। बट गाइस, जो लोग नए हैं जो एलिस ऑन एसटी की वीडियो देख रहे हैं, वो 300 अगर आप कमेंट देखेंगे तो उनको रीड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लोग इतना टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट का आंसर देने वाली हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं अगर आप एलिस ऑन एसटी का यूज़ करने जा रहे हैं। एंड गाइज, उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे जो मुझे एक्सपेक्टेड थे आप लोगों से कि आप मुझसे पूछेंगे, पर आप लोगों ने मुझसे पूछे ही नहीं, तो उनका भी आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो एलिस ऑन एसटी को यूज़ करने से पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिले एलिस ऑन एसटी का इस्तेमाल करने से। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ कुछ दिखा देना चाहती हूँ। गाइज, ये जो आप मेरी फाइल देख रहे हैं ना, ये मेरी फाइल 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने स्टोराइड क्रीम के ऊपर कलेक्ट किया है, मेरी रिसर्च है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें नोट करी है। गाइज, मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ, पर वो एक साथ एक वीडियो में अगर मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगी ना, या तो आप सो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे वीडियो को, या वीडियो स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप देखेंगे तो स्टोराइड क्रीम के ऊपर जितनी भी मैंने आपके साथ अब तक वीडियो शेयर करी है, उस हर एक वीडियो में आपको कुछ नया ही मिलेगा, जो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा ना, वो आपको मेरी वीडियो में मिलेगा स्टोराइड क्रीम के ऊपर। क्योंकि मैं जानती हूँ चेहरे को बेदाग बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और चेहरे को पहले जैसी कंडीशन में लाना तो उससे भी ज़्यादा टफ काम होता है। तो मैं आपको हर तरह से साइड इफेक्ट से बचाना चाहती हूँ स्टोराइड क्रीम के, आपके चेहरे को बेदाग और सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चन थे, जो आपने मुझसे पूछे और जो आपने मुझसे नहीं पूछे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट से। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले जो मैंने आपका कमेंट नोटिस किया था वो गाइस ये था, हर एक का कंसर्न ये था कि मैम इसे छोड़ने के बाद हमारे चेहरे पे कुछ होगा तो नहीं। तो गाइस, आपको इसको लगाने का, एक तो पहले सबसे पहले तो जो आपको पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो के अंदर, आपको वो फॉलो कर सकते हैं तो वो फॉलो करिए, नहीं तो मैं आपको एक सेकंड प्रोसेस और बता रही हूँ इस क्रीम के अंदर, आप वो फॉलो करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल सेफ रहेगा, और आपके चेहरे को जो स्टोराइड क्रीम के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आप उससे बचा पाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, स्टार्टिंग वैसे पेस्ट टेस्ट से करनी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, पहले पेस्ट टेस्ट करिएगा, उसके बाद 24 आवर्स तक का वेट करिए, अगर आपको कोई रेडनेस वगैरह नहीं आती है देन स्टार्ट यूजिंग दिस क्रीम। गाइज, आपको पहले वीक में इसे डे बाई डे करके यूज़ नहीं करना, यानी अल्टरनेट डेज पे इसे यूज़ करना, एक दिन छोड़ना एक दिन लगाना है। सेकेंड वीक से आप इसे रेगुलर यूज़ में लेके आ सकते हैं, तो 2 हफ्ते इसे आप यूज़ करेंगे और 1 हफ्ता इसे छोड़ेंगे। ये आपको तब तक करना है प्रोसेस सेम, जब तक आपके चेहरे पे से बिल्कुल दाग धब्बे वगैरह हट नहीं जाते हैं। तो आप जब 1 हफ्ते का गैप लेंगे बीच में, तो आपके चेहरे पे किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, आपकी स्किन को स्टोराइड की आदत नहीं पड़ेगी, और आप जब इसे छोड़ेंगे तो आपका चेहरा पहले की तरह सेफ रहेगा और ब्राइट बना रहेगा। तो ये आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। गाइज, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये था कि मैम इसको लगाने से क्या हमारा चेहरे का कलर फेयर होगा। तो गाइज, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये एक किसी भी तरह की फेयरनेस क्रीम नहीं है, बट यस, जैसे कि हमारे स्किन पे से दाग धब्बे वगैरह हटा देती तो लोग ये समझते हैं कि हमारी स्किन जो ब्राइट हो जाएगी, फेयर हो जाएगी। बट गाइज, अगर आप इसको अपनी स्किन में इतने ज़्यादा हैबिट में लेके आएंगे, स्किन में यूज़ करने लगेंगे, आपकी स्किन को आदत हो जाएगी इस क्रीम को यूज़ करने की, तो आपका चेहरा कुछ टाइम तक फेयर लगेगा, लेकिन जब इसे यूज़ करना छोड़ेंगे तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा, चेहरे पर स्पॉट वगैरह पड़ने लगेंगे, तो इस तरह चेहरे पे कई सारे प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो इस क्रीम को कभी भी फेयरनेस के लिए तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन था कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस क्रीम को आप मैक्सिमम 4 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। 4 मंथ पे तब आपको इतना यूज़ करना है जब इसे 1 हफ्ते के गैप से यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसे आप 2 से 3 महीने के अंदर इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। गाइज, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था गोरा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। डार्क सर्कल रिमूव होंगे क्या? गाइज, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे अपनी आई के आसपास तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी जो आँखों के नीचे की स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और यहाँ पर आप स्टोराइड क्रीम का यूज़ करेंगे तो सोचिए आपकी स्किन के साथ में क्या क्या हो सकता है। तो आप इसे डार्क सर्कल के लिए कभी भी यूज़ नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नेक्स्ट ये था गाइस, क्या ऐसे झाइयाँ फ्रैकल्स वगैरह रिड्यूस हो सकती हैं? तो गाइस यस, आपकी स्किन पे अगर फ्रैकल्स वगैरह हैं, ये झाइयाँ या फिर मेलाजमा के स्पॉट वगैरह हैं, तो अभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस ओपन पोर्स रिड्यूस होंगे क्या? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मेरे पास आया। गाइस ये ओपन पोर्स को इवन रिड्यूस नहीं करती, इवन बढ़ा देती है। जब हम अपनी स्किन पे पिगमेंटेशन के लिए, रिमूव करने के लिए इस तरह की क्रीम यूज़ करते हैं, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, चोक होने लगते हैं, तो ओपन पोर्स इवन क्रिएट होते हैं, ना कि रिड्यूस होते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, किस एज में यूज़ कर सकते हैं? गाइस हमारी स्किन पे जनरली अगर आप देखेंगे तो 25 के बाद ही पिगमेंटेशन वगैरह आना स्टार्ट होती है, तो आप इसे अराउंड 22 साल की उम्र के बाद ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको छोड़ने के बाद में प्रॉब्लम फेस पे होना क्यों स्टार्ट हो जाती है? गाइस प्रॉब्लम इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है स्किन पे। हमारी जो स्किन होती है वो थिन होने लगती है, पतली होने लगती है, तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देने की ज़रूरत होती है और हम वो नरिशमेंट नहीं देते हैं हमारी स्किन के ऊपर। तो जब इसे छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्किन पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको अदर बॉडी पार्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गाइस हाँ, इसे आप अदर बॉडी पार्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आपकी नेक एरिया या आपके हैंड एंड फीट पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस वगैरह है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गाइस ध्यान ये रखेगा आपको वो बॉडी पार्ट कवर करके रखना होगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको स्ट्रेच मार्क्स पे यूज़ कर सकते हैं? गाइस हाँ बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते, इसे स्ट्रेच मार्क वगैरह भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, पर उसमें भी टाइम लगता है, एकदम से आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको एटलीस्ट 1 मंथ से लेकर के 2 मंथ तक का वेट करना होगा, देन आपको अपनी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो थोड़े बहुत रिड्यूस होता है नजर आएंगे। गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसको लगाने के बाद हमारा चेहरा लाल क्यों हो जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है? तो गाइस ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन पतली होने लगती है और हम अपनी स्किन को नरिशमेंट वगैरह नहीं देते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा थिन होने लगती है, तो जैसे धूप के कॉन्टैक्ट में जाएगी तो हमारी स्किन लाल हो जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे वगैरह होते हैं, छोटे एज के बच्चे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो धूप में जब आते थे हमारा चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था। तो वो वैसे भी नॉर्मली होता है, धूप में आते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है, तो चेहरा तो लाल हो गई। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड क्रीम के बाद में अपने चेहरे को लाल होने से बचाना चाहते हैं तो चेहरे को कवर करके धूप में जाइएगा, तो आपका चेहरा लाल बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। गाइस उसके बाद क्वेश्चन ये था कि इसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं? तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर आप इसे 6 महीने या साल भर तक यूज़ करते हैं ना, तब जाके आपके कहीं चेहरे पे बाल आना स्टार्ट होते हैं। इवन 4 से 5 महीने तक का टाइम बिल्कुल सेफ टाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह के गैप से अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं आते। मैंने खुद यूज़ करा है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चेहरे पे बिल्कुल भी बाल नहीं आते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इससे स्किन उतरने लगती है? गाइस इससे स्किन भी तब उतरेगी जब आपकी स्किन या तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है स्किन, आपकी स्किन पे आप कुछ भी अगर केमिकल यूज़ करते तो आपकी स्किन पर सडन रिएक्शन होता है तो स्किन उतर सकती है। अदरवाइज इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल का भी यूज़ करा गया जिससे हमारी स्किन एक्सफोलिएट होती है, पील होकर उतरने लगती है, तो हमारी स्किन का एक नेचुरल प्रोसेस भी होता है पीलिंग का, वो इस तरह के केमिकल वगैरह यूज़ करने से थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे चेहरे पे हल्के हल्के धब्बे हैं तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो गाइस हाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पूरे फेस के ऊपर इसे यूज़ कर सकते हैं, बट गाइस ध्यान रखना है कि आप जब भी दिन में बाहर जाएँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, चेहरे को कवर करके ही बाहर जाइएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या इसे अपर ब्लैक लिप्स हो गए हैं, क्या वहाँ यूज़ कर सकते हैं? गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ अगर आपसे यूज़ ना ही करें वहाँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपर लिप्स का एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो हमारी जस्ट नोज़ के नीचे और मुंह के जस्ट ऊपर होता है, और अगर ये स्किन जो क्रीम है हमारे अगर इंटरनल बॉडी पार्ट में जाएगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है, तो आप इसे अपर लिप्स पे ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइस इसे मेल भी यूज़ कर सकते हैं? तो गाइस ऑफ कोर्स यार इसे मेल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज वाली बात नहीं है, इसे फीमेल हो मेल हो सभी यूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, धूप में जाना बहुत होता है तो क्या तब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो गाइस अगर आप धूप में आना जाना आपका बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम धूप में स्पेंड करते हैं तो प्लीज़ इस तरह की क्रीम यूज़ करना अवॉइड करिएगा। गाइस इसके साथ क्वेश्चन ये भी था कि इसे इसके साथ में यूज़ करते हो ब्लीच फेशियल यूज़ कर सकते हैं? तो गाइस हाँ ब्लीच फेशियल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर गाइस आपको ध्यान रखना है जब भी आप ब्लीच या फेशियल करें तो उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, चेहरे पे एलर्जी है तो भी क्या यूज़ कर सकते हैं? गाइस बिल्कुल नहीं, अगर आपके चेहरे पे एलर्जी है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको इस्तेमाल करने के बाद स्किन काली होने लगी ऐसा क्यों? गाइस ये जो क्रीम है हमारी स्किन पे से दाग धब्बे वगैरह जब हम इसे हटा के रिमूव कर लेते हैं तो हमारा चेहरा ब्राइट लगने लगता है, पर जैसे हम इसे सडन इस्तेमाल करना छोड़ते हैं तो हमारी स्किन सडन काली पड़ जाती है, तो आपको इसे धीरे धीरे करके छोड़ना होगा तो आपकी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा बिल्कुल फेयर रहेगा।
गाइज इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारी स्किन पे सिजेरियन या टाके वगैरह के निशान हैं तो क्या वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो गाइज वो लाइट हो जाएंगे पर कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होंगे इस तरह की क्रीम इस्तेमाल करने से। तो आप LS1ST यूज़ कर सकते हैं तो उनके निशान लाइट हो जाएंगे। गाइज इसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने मुझसे पूछे ही नहीं लेकिन जो मैं चाहती थी आप लोग मुझसे पूछें। तो गाइज क्वेश्चन ये था कि दिन में क्या इस्तेमाल करें। रात में तो मैंने आपको बता दिया LS1ST यूज़ करिएगा, इस तरह से यूज़ करिए, सनस्क्रीन यूज़ करिए, पर दिन में आपको क्या यूज़ करना है। तो गाइस दिन में आप अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से नरिश रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, इसके लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर करी थी कि दिन में क्या इस तरह के क्रीम यूज़ करें। इसमें मैंने आपको कई सारे जेल बताए थे। गाइस वो जेल स्किन को इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, स्किन ड्राई भी नहीं लगती है, स्किन ऑयली भी नहीं लगती है, नेचुरल कंडीशन में रहती है और हमारी स्किन पे जो स्टेरॉइड वगैरह क्रीम के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे क्योर होते रहते हैं, तो वो आ ही नहीं पाते हैं, तो हमारी स्किन सेफ रहती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर जाके वॉच करिएगा। गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए था कि इससे चेहरा एक मोटा होने लगता है। अगर आपने इस तरह की क्रीम यूज़ करी है तो आपको पता होगा कि जब हम चेहरे पे इस तरह की क्रीम लगाते हैं तो चेहरे पे एक फैटनेस आने लगती है, चेहरा थोड़ा भारी लगने लगता है, तो उसमें हम क्या करें। तो गाइस उसके लिए भी एक सोल्यूशन है और वो बिना किसी एक्सरसाइज वगैरह के आप अपने चेहरे को बिल्कुल पतला रख सकते हैं, आपका चेहरा बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो शेयर करने वाली हूँ एज सून एज पॉसिबल, तो आप वीडियो जाके जरूर वॉच करिएगा। तो आप किसी भी तरह के स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करेंगे ना तो आपके चेहरे पर ना तो कोई एजिंग साइन आएंगे, ना ही आपके चेहरे पर फैटीनेस आएगी और आपका चेहरा बिल्कुल एक यंग गर्ल की तरह या यंग बॉय की तरह खूबसूरत लगता रहेगा। तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर वॉच करिए, थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। गाइज एक क्वेश्चन ये भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसके साथ में क्या यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछना चाहिए था। गाइज अगर आप LS1ST क्रीम का यूज करते हैं ना तो आपको किसी अदर हाई केमिकल वाली क्रीम का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जिनमें बहुत तरह के केमिकल का यूज़ करा गया है, ऐसी क्रीम का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। लाइक जैसे कि अगर आपने नियासिनामाइड का देखा होगा वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, RB20 अगर आप इस्तेमाल करें तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यस विटामिन सी का सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अदर जो हाई केमिकल है, जो हाई पावर होते हैं, आप वो केमिकल अपनी स्किन पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। सो गाइज आपके क्वेश्चन आंसर तो हो गए, पर गाइज मेरी आपसे एक कंप्लेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। गाइज मुझे LS1ST वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हुए कि मैम हमें तो 40 रुपये की मिल रही है क्रीम, हमें तो 50 रुपये की मिल रही है, आपने तो इतने रुपये की बताई है। गाइज मैंने ये क्रीम लॉकडाउन में यूज़ करी थी और उस टाइम पे हम घर में रहना ही सेफ मान रहे थे, बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे, तो बाहर जाके क्रीम परचेज करना मेरे हिसाब से तो अकलमंदी नहीं थी ना। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर अगर मुझे थोड़ी महंगी मिली क्रीम और मैंने यूज़ करी और अपने से अपनी स्किन पर से पिगमेंटेशन वगैरह को रिमूव किया तो क्या गलत किया। और वैसे भी ऑनलाइन तो आप जानते ही हैं वो प्राइस वहाँ पे दुगने तिगने ही करके बेचते हैं। अगर आपको जो लोकल मार्केट में चीज़ 40 रुपये की मिल रही है ना, वो ऑनलाइन आपको 50, 60, 70 रुपये की मिल रही होगी, क्योंकि वो हमेशा MRP बढ़ा के ही लिखते हैं, प्रिंट करते हैं और देन हमें सेल करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपके साथ कई सारे प्रोडक्ट ऐसे शेयर करके दिखाए हैं कि एक्चुअल MRP कुछ और ऑनलाइन पर मिलने वाले प्रोडक्ट की MRP कुछ और होती है। सो गाइज अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। सो गाइज चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।